दूसरी जानिब बात करेंगे, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन के लिए रकम फ्राहम ना हुई तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तोहीन होगी। हुक्म पर अमल दरामद न करने पर डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक घर जाएंगे। पार्लियामानी कमेटियां डमी पार्लियामेंट को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं होगा कि वो इलेक्शन अखराजात को रोक सके, लिहाजा ये कहना कि पार्लियामेंट की इसके ऊपर वोटिंग ज़रूरी है या कमेटी की वोटिंग ज़रूरी है बिल्कुल गैर आइनी है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी ये तस्लीम किया है, अटॉर्नी जनरल ने भी ये तस्लीम किया है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो रकम है ये आज अगर ट्रांसफ़र नहीं होती तो ये सुप्रीम कोर्ट की तोहीन होगी, जिसमें पहले इंशाल्लाह एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो अपने घर पे जाएंगे।